और दोस्तों कैसे हो, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हाँ मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन लेट बेशक है लेकिन धमाकेदार वीडियो है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में टॉप 6 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि 15,000 रुपये के प्राइस में आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा बवाल स्मार्टफोन है इस टाइम पर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको सारी कंपनी के स्मार्टफोन बताऊँगा, मतलब मैंने सारी कंपनी का एक एक स्मार्टफोन लिया है, ताकि आप किसी भी कंपनी के फैन हैं तो वो वाला फोन आप प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देगी ये वीडियो कि आपको 15,000 रुपए की प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक चैनल पे। चल फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले 6वें नंबर का स्मार्टफोन, बाद में आपको बताऊंगा नंबर 1 का स्मार्टफोन। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 6वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi का Mi A3। ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, यहाँ पे आपको 6.08 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरे दिए गए, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। बैटरी इसमें आपको 4030 mAh की देखने को मिल जाती है। रही बात प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। रही बात इसकी प्राइस की, तो ये 12,500 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा 4GB 64GB वाला वेरियंट। तो 12,500 रुपये में मैं आपको जरूर से इस स्मार्टफोन के लिए प्रेफर करना चाहूँगा। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटो का G8 Plus। ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल का प्लस 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो 13,999 रुपये, मतलब 14,000 रुपये में आपको 6GB 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मोटो का G8 प्लस स्मार्टफोन भी आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्या पता आपको जरूरत हो, किसी और को भी इस वीडियो की जरूरत हो, वो भी अच्छा स्मार्टफोन देखने वाले हों 15,000 रुपये की प्राइस में, तो उनकी मदद हो जाएगी। तो जस्ट डू द शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 4वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो का G1 Pro। इस स्मार्टफोन की खासियत ये है कि इसमें आपको 6.53 इंच की पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की देखने को मिल जाती है। और मैं बात करूं यहाँ पे इसमें कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर इसमें कमाल का देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को आपको मिल जाता है। और दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसका जो बेस वेरिएंट 4GB 64GB वाले जो वेरिएंट की कीमत है वो 13,500 रुपये है। तो 13,500 रुपये में आपके लिए पंच होल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन अच्छा हो सकता है। तो अगर आप कोई ढूंढ रहे पंच होल वाला स्मार्टफोन, तो आप वीवो के G1 Pro की साइड जा सकते हैं। और दोस्तों अगला फ़ोन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो जरूर से। और हाँ अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो देख लेना बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, अगर नहीं है तो जरूर से उसे प्रेस कर दो। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 3रे नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि वो आता है मेरी लिस्ट में सैमसंग का M30S। जी फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और मैं बात करूं यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कमाल की बात ये है इस स्मार्टफोन की कि इसमें आपको बैटरी 6000 mAh की देखने को मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बैटरी काफ़ी ज़्यादा लार्ज है।
प्रोसेसर से आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों प्राइस की बात करूं तो इसका जो 20 वेरिएंट 4GB 64GB वाले की जो प्राइस है वो 13,999 रुपये है, मतलब 14,000 रुपये में आपको 6000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन देखने को आपको मिल जाता है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हो अपने स्मार्टफोन में, आपको कैमरे अच्छे चाहिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए, बैटरी भी लार्ज चाहिए, तो ये डेफिनेटली आपके लिए स्मार्टफोन बनाए 6000 mAh की बैटरी वाला, क्योंकि 10,000 के तो पावर बैंक ही आते हैं, देख लीजिए। और दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नंबर स्मार्टफोन की तरफ। ये बवाल स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro के बारे में। ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस स्मार्टफोन में वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो एक फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन में होनी चाहिए। दोस्तों बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, तो 6.53 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरे बैक के काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। जी हाँ फ्रंट, साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा भी कमाल का है, क्योंकि इसमें आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें लेटेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, हीलियो का G90T प्रोसेसर है। ये मोस्टली गेमिंग लवर के लिए ही प्रोसेसर बना है। रही बात दोस्तों इसकी प्राइस की, तो इसका जो बेस वेरियंट 6GB 64GB वाले की जो प्राइस है वो 14,999 रुपये, मतलब एग्जैक्ट आपको 15,000 रुपये में पड़ेगा इसका बेस वेरिएंट। 15,000 रुपये की प्राइस में 4 कैमरे, 64 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर दिया गया है, और डिस्प्ले भी आपको लार्ज देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है, और क्या चाहिए आपको एक फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन में। डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन है इस टाइम पर। तो अगर आप 15,000 रुपये का बजट है तो ये आप स्मार्टफोन कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी स्मार्टफोन की तरफ। आप भी टिके हुए हैं, आप भी डटे हुए हैं कि नंबर वन पे कौन सा स्मार्टफोन आता है। अगर Redmi Note 8 Pro सेकंड नंबर पे है तो नंबर वन पे कौन सा है? नंबर वन पे आता है Realme XT। मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन नंबर वन पे क्यों है, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो 6.4 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरे आपको इसमें भी बैक में 4 देखने को मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बैटरी इसमें आपको 4000 mAh की देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को आपको मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं, 6GB 64GB वाले जो वेरियंट की प्राइस है वो 15,999 रुपये, मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा है। 16,000 रुपये का आपको ये स्मार्टफोन पड़ेगा Realme XT। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसमें एडवांटेज क्या है। इस स्मार्टफोन में आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 8 Pro में नहीं मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और सुपर एमुलेट स्क्रीन नहीं मिलती है। यही मेजर चेंज है दोनों स्मार्टफोन में, बाकी की सारी चीज़ें दोनों सेम है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं ज़रूरी नहीं कि आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप Realme XT की साइड जाएं, आप Redmi Note 8 Pro भी ले सकते हैं। बोथ फोन आर वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हम नंबर वन पे कौन सा स्मार्टफोन रखें, तो हमने Realme XT को चूज़ किया। वैसे आप Redmi Note 8 Pro भी परचेज कर सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन नंबर वन पे होना चाहिए, आई वॉन्ट टू नो इन अ कमेंट सेक्शन। आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कौन सा नंबर वन पे होना चाहिए, क्या जो मैंने पिक किया है वो सही है या आपका पिक है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर देखना चाहूँगा। और दोस्तों ये थे वो सारे के सारे स्मार्टफोन जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन है 15,000 रुपये की प्राइस में। वैसे दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई फ़ोन खरीदने वाले हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो इस टाइम पर कन्फ्यूज़न में है कि 15,000 रुपये की प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए। चले दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस करना, ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।